राजस्थान के उदयपुर जिले के मावली में दरिंदे कमलेश राजपूत ने 8 साल की बच्ची पूजा भील को कैसे बंधक बनाया था, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बच्ची गांव में अन्य लड़कों की तरह आरोपी कमलेश को भी भैया कहकर बुलाती थी, उसे अच्छे से जानती पहचानती थी। इसी का फायदा उठाकर कमलेश ने टॉफी के बहाने से बच्ची को किडनैप किया। बच्ची भी भरोसा कर आरोपी के घर चली गई। वहां पर आरोपी ने बंधक बनाकर उसका रेप किया। लोगों को इसका पता नहीं चले, इसलिए आरोपी ने बच्ची की हत्या कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी करीब 2 साल पहले अपने चचेरे भाई के साथ मुंबई में मीनाकारी का काम करने गया था, फिर 6 माह के बाद लौट आया। तो 29 मार्च को दिन में बच्ची अपने खेत पर जा रही थी, तभी आरोपी कमलेश ने उसे किडनैप कर लिया। देर शाम बच्ची के ना मिलने पर परिजनों ने मावली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। इसके बाद यह आरोपी पुलिस और गांव वालों के साथ बच्ची को तलाशने का नाटक करता रहा ताकि किसी को उस पर शक ना हो।